नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को संसद में देश का आम बजट पेश किया। साल 2021-22 के इस बजट का पिटारा खुल चुका है। कोरोना संकट काल में पेश किए गए पहले बजट भाषण में उन्होंने विश्वास बहाली की उम्मीद जताते हुए गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का सहारा लिया और उनकी पंक्तियां पढ़ते हुए कहा कि विश्वास वो पक्षी है जो प्रकाश को महसूस करता है और जब भोर अंधेरा होता है तो गाता है। महामारी की मार झेल चुके देश को मोदी सरकार के आम बजट से आम आदमी और खास आदमी सभी को काफी उम्मीदें रही हैं। और सबसे पहले तो रोजगार की मांग इस वक्त की सबसे अधिक बड़ी मांग है। सीएमआई के आंकड़ों के मुताबिक पिछली बार जब लॉकडाउन हुआ तो 23 से 25% तक नौकरियों में कमी आई थी। तो लगातार जो बजट अब पेश किया गया है उसको लेकर अब प्रतिक्रियाएं आनी भी शुरू हो चुकी हैं। तो आम बजट आज पेश हो चुका है देश का, ये सबसे महत्वपूर्ण बजट, क्योंकि जिस प्रकार से हालात रहे हैं देश के, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ तौर पर कहा कि मुश्किल घड़ियों में, मुश्किल हालातों में ये बजट पेश किया गया है। और आपको बता दें इसके हाईलाइट्स क्या कुछ हैं। आदिवासी इलाकों में 750 एकलव्य स्कूल खोले जाएंगे, साथ ही देश भर में 16 सैनिक स्कूल बनाए जाएंगे। किसानों के लिए, किसान सेक्टर के लिए भी, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण बातें की गई हैं। सभी मजदूरों को न्यूनतम वेतन देने का प्रावधान किया गया है, साथ ही एक देश एक राशन की घोषणा। तो कैसे बढ़ेगी इकोनॉमी, अलग अलग क्षेत्रों में किस तरीके से घोषणाएं हैं वो हम आपको बता रहे हैं। वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार और निवेश किया जाएगा, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट बढ़ाया जाएगा, साथ ही परिवहन मंत्रालय को भी जो अलग से है वो राशि दी गई है। देश में अगले साल तक 85,000 KM रोड प्रोजेक्ट तैयार हो जाएंगे। तो आज का बजट बहुत खास है और इस बजट को देखते हुए प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो चुकी है। और लगातार हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ने शुरू हो चुके हैं। हमारे साथ सूर्यकांत चतुर्वेदी जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सर, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। और साथ ही जुड़ चुके हैं कविता पांडे जी, प्रदेश अध्यक्ष महिला कांग्रेस कार्यवाहक। मैम, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगी कविता जी आपसे, क्योंकि बजट की जब बात होती है तो सबसे पहले जो ध्यान रखा जाता है, फोकस जो होता है महिलाओं पर, क्योंकि घर का बजट किस तरीके से बना या बिगड़ा आप कैसे देखती है आम बजट को लेकर? थोथा चमा बाजे। जब मैंने, निर्मला जी जब वित्त मंत्री बनी, महिला थी, संवेदनशील थी और हम लोग को बड़ी उम्मीदें थी, भरोसा था कि देश नए तरीके का देश बनेगा और विकास होगा और बजट महिलाओं को फोकस करके रखा जाएगा। लेकिन आज का बजट देखने और सुनने के बाद बहुत ज्यादा दुख हुआ कि इसमें कुछ ऐसा नहीं है जिसकी की चर्चा की जानी चाहिए। देश 1947 में जब गुलामी के बाद आजाद हुआ था उस स्थिति को प्राप्त हो चुका है और कहीं आर्थिक प्रगति इसमें कहीं कोई मुझे दिखाई नहीं दी। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बेच डालूंगा कि तर्ज पर इसको बनाया गया कि हम बीमा कंपनी भी, रेलवे भी, सड़के भी, बिजली भी, कोल ब्लॉक्स भी, और सब कुछ जितना उनको लगता है सामने दिखा होगा उतना बस दे दो बांट दो या बेच दो कि तर्ज पर इन्होंने काम किया है। इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं जिसकी हम कोई चर्चा करें। किसान बैठे हुआ बात में किसानों को उसमें लिखा गया है कि हम 1000 मंडियां बनाएंगे। अरे भैया, मंडी बना बंद कर दी तभी तो वो बैठे हैं। तो आप लॉलीपॉप पकड़ा रही है कि जुजना पकड़ा रही है, या देश के 130 करोड़ लोगों को ये समझती है कि ये बड़े वाले मूर्ख का इनको कुछ पता ही नहीं है। मैं जहां बैठी हूं मैं बता दूं कि 18 मंडियां थी उसमें से 15 का सफाया हो चुका है, वो बंद हो चुकी है इनकी नीति और नीति के कारण। तो यह बजट पूरी तरह झुंझुना है, लॉलीपॉप है और जनता को गुमराह करने के लिए या तरीके से एक जैसे टुकटुके मदारी बजाए बस उसी तरीके का। इसमें कुछ ऐसा नहीं है जिससे जनता को कोई लाभ होगा। बिल्कुल। तो कविता पांडे जी का कहना है कि इस बजट में ऐसा कुछ भी विशेष नहीं है। राजू मालवी जी भी जुड़ चुकी है। मैम, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। जी राजू मालवी जी, थोड़ा देर से आप जुड़ी लेकिन कविता पांडे जी की बात को आप समझ पाई होंगी। जो निष्कर्ष है कि उनको बजट में कुछ भी ऐसा खास नहीं लगा जो कि देश की इकोनॉमी और हमारे आम जनता के लिए या फिर महिलाओं का जिक्र किया जाए, कहीं से उनको ऐसा कुछ नहीं लग रहा। आप जरा प्रकाश डालें, आपको बजट में क्या कुछ ठीक लग रहा है और क्या कुछ जो है उसमें और सुधार होना चाहिए था आपकी दृष्टि से? देखिए, अगर व्यक्ति का नजरिया ही गलत हो तो उसे हर चीज गलत नजर आती है। अभी आज जो बजट हमारी वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण जी और उनके सहयोगी अनुराग ठाकुर जी के द्वारा पेश किया गया, वो इतनी बड़ी विषम परिस्थितियों में बजट पेश किया गया है जी। पिछली वर्ष जब बजट प्रस्तुत किया गया था तो किसी को ऐसी कल्पना नहीं थी कि जिस तरह से कोविड-19 की जो महामारी आई है और जिसने पूरे विश्व को
एक तरह से लहूलुहान किया। अगर हम देखें तो ग्लोबल इकोनॉमी भी दो बार माइनस में गई, वहीं दूसरी ओर भारत की अर्थव्यवस्था में भी जीडीपी में दो बार माइनस आया। स्वाभाविक रूप से हमारे लिए यह बात महत्वपूर्ण थी, लेकिन इससे ज्यादा महत्वपूर्ण थी कि अगर व्यक्ति रहेगा तो परिवार रहेगा, परिवार रहेगा तो देश रहेगा। इसलिए देश का स्वास्थ्य हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। हमारे यहाँ कहा गया है, जान है तो जहान है जी। और ये बजट जब प्रस्तुत हुआ है तो अतिक्रमण और संक्रमण दोनों के बाद का ये बजट है। पिछले एक वर्ष से जो हम देख रहे हैं, 2020 बहुत बड़े संघर्ष का समय था और 2021 में अभी संघर्ष समाप्त नहीं हुए हैं जी। लेकिन उसके बावजूद भी आज सुबह से आपने देखा होगा कि सेंसेक्स में उछाल आया है। बिल्कुल, ये जो आज का बजट था ये डिजिटल बजट था और पेपरलेस बजट था। इस पूरे बजट के पहले कई बार बहुत छोटे छोटे बजट इस कोरोना के काल में माननीय निर्मला सीतारमण जी ने प्रस्तुत किए थे जी। और आज हम ये कह सकते हैं कि इतनी बड़ी महामारी को, पूरे देश को सुरक्षित रखने में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो नेतृत्व है वो बहुत ही सफल हुआ है। और उसके बाद आज हम जब बजट प्रस्तुत कर रहे हैं तो हमारा जो बजट है वो 6 बिंदुओं को लेकर के, उसमें हम कह सकते हैं कि 6 पिलर्स ऑफ द बजट। पहला इसका जो पिलर है वो स्वास्थ्य और कल्याण है, दूसरा है भौतिक और वित्तीय पूंजी अधोसंरचना, तीसरा है आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, चौथा है मानव पूंजी में नव जीवन का संचार, पांचवा है नव प्रवर्तन और अनुसंधान एवं विकास, और छठवां है न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन जी। इन 6 बिंदुओं को लेकर के पूरे देश का बजट बना है जिसमें पूरे देश का ध्यान रखा गया है। और मुझे तो अभी आश्चर्य हुआ कविता जी की बात सुनकर, पूरा बजट आया ही नहीं, पूरी बात सुनी ही नहीं, लेकिन जो प्रतिक्रिया हमने तय करी है हमने वो कहना है। वही कविता जी की बातों से स्पष्ट हुआ, और होगा भी क्यों नहीं, जिस दल ने 60 सालों में बहनों को शौचालय जैसी न्यूनतम व्यवस्था ना दे पाया वो दल अब देश की प्रगति कैसे देख सकता है। खैर, जो उनका अपना सोच है, मैं तो ये कहना चाहूंगी कि इस पूरे बजट में हमने सबसे अधिक जिस बात पर ध्यान दिया वो है हमारा हेल्थ सेक्टर। व्यक्ति रहेगा तो देश रहेगा, और इसलिए बहुत बड़ी राशि आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना को लेकर के हमने दी है, जो है 64,180 करोड़ रुपए का बजट। इस विषय में हमने प्रावधान किया है कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं, और आवश्यकता पड़ी तो इस मद में और भी दिया जाएगा। आप जानते हैं कि आज कोरोना वैक्सीन न केवल देशवासियों के लिए बल्कि 100 से अधिक देशों को भारत कोरोना की वैक्सीन दे रहा है। अगर आप इसे कहें कि वर्ल्ड में फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड आज भारत बन चुका है, ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है। न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, और इसके लिए भी हमने मिशन पोषण 2 की शुरुआत की है, और इसमें 5 साल में हम 2,087 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान हमने किया है। जो सरकारें पिछले समय में स्वच्छ जल नहीं दे पाई, आज हमें राजमाली जी बिल्कुल बजट पर आपकी प्रतिक्रिया सुन रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा रोकना चाहूंगी आपको। 4 करोड़ रुपए हमने दिए हैं जी। राजमाली जी, रोकना चाहूंगी। सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ प्रतिक्रिया दे रहे हैं बजट में, पहले वो सुन लेते, फिर आगे मेहमानों से चर्चा करेंगे। देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी, चाहे वह राजमार्गों की क्षमता को विस्तार देने का हो, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नई गति देने का हो, ऊर्जा क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन लाने की दिशा में किए जा रहे नए प्रयासों की ओर पूरे देश का ध्यान आकर्षित करता हो, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ध्यान देने का जो प्रयास हुआ है, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए राष्ट्रीय रोग नियंत्रण की दिशा से जिस प्रकार की कार्य योजना बनाई गई है,
यह सभी अभिनंदनीय है। जल जीवन मिशन अब तक ग्रामीण क्षेत्र के लिए था, शहरी क्षेत्र को भी इसके साथ शामिल करना और जल जीवन मिशन को शहरी क्षेत्र के साथ जोड़ने के साथ ही शहरी क्षेत्र में और भी तमाम प्रावधान जो किए जा रहे हैं ये सभी स्वागत योग्य हैं। खासतौर पर जो शहरी स्वच्छ भारत मिशन है इसका पार्ट टू जारी होना, हम सब जानते हैं कि एग्रीकल्चर के बाद देश के अंदर सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र टेक्सटाइल का है। देश के अंदर 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क की घोषणा, ये स्वागत योग्य है। ऊर्जा क्षेत्र में हाइड्रोजन एनर्जी मिशन की घोषणा, ये ऊर्जा क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन का कारण बनेगा। और यही नहीं बल्कि अगर हम किसानों की बात करते हैं तो ये सर्वविदित है कि लागत का 1.5 गुना दाम प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के किसानों को दिया। 1000 अतिरिक्त मंडियों को ई नाम के साथ जोड़ने की जो कार्रवाई हुई है, कार्रवाई की घोषणा हुई है, ये वास्तव में किसानों को लागत का 1.5 गुना दाम देने की गारंटी का एक माध्यम बनेगा और एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही व्यावहारिक बजट आज प्रस्तुत किया गया है। एमएसएमई सेक्टर जो निवेश का ग्रोथ इंजन माना जाता है इसके लिए विशेष प्रोत्साहन देना, और आज हमने पहली बार देखा है कि पेपरलेस बजट ही नहीं आया बल्कि अब इस बजट में पेपरलेस बजट ने भारत के इतिहास का पहले पेपरलेस बजट ने डिजिटल जनगणना की भी घोषणा की है। यानी सारी चीजें अब डिजिटल फॉर्म में आ रही हैं, ये सुविधाजनक भी होगी और व्यवहारिक भी होती हुई दिखाई देंगी। इसमें किसी भी प्रकार की कोई धांधली की कोई गुंजाइश भी नहीं होगी और सही तथ्य और सही आंकड़े देश के सामने आते हुए दिखाई देंगे। मैं एक कोरोना कालखंड में एक विकासोन्मुख और व्यवहारिक बजट के लिए जिसमें समाज के प्रत्येक तबके का ध्यान रखा गया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, माननीय वित्त मंत्री जी को इस बजट के लिए हृदय से बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि यह बजट नए भारत की नई अर्थनीति के अनुरूप आम जन की आशा और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता हुआ दिखाई देगा। भारत को दुनिया की एक आर्थिक ताकत के रूप में प्रस्तुत करने का एक माध्यम बनेगा। आवाज ही नहीं आ रही कविता जी, आपको आवाज आ रही है? सीएम योगी आदित्यनाथ को आप इस वक्त सुन रहे थे और उनका साफ तौर पर कहना है कि व्यवहारिक और विकास सोन्मुख ये बजट है और इससे भारत की जो गति है विकास की उसको और अधिक गति मिल पाएगी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की प्रतिक्रिया आम बजट के बाद, और हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं राजू मालवीय जी, हमारे साथ सीएम योगी आदित्यनाथ की प्रतिक्रिया हम सुन रहे थे इसलिए आप तक आवाज नहीं पहुंच पा रही थी। चलिए मैं रुक करना चाहूंगी सूर्यकांत चतुर्वेदी जी का। सर, दोनों ही जो हमारी वरिष्ठ महिला नेत्री है उनका आपने बयान सुना और उनकी आपने प्रतिक्रिया भी सुनी, आपके पक्ष को मैं जानना चाहूंगी जो आज का बजट है, क्योंकि एक बहुत लंबे कार्यकाल के बाद जो कोरोना का संक्रमण कार्यकाल था जहां पर पूरा विश्व हिला हुआ है उसके बीच एक आम बजट को पेश करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी सरकार के लिए भी और साथ ही राज्य सरकारों के लिए क्या कुछ देना है, केंद्र सरकार किस तरीके से सामंजस्य बिठाए, तमाम चीजों को देखते हुए क्या लगता है आपकी प्रतिक्रिया इस बजट को लेकर? सर अब तक आवाज पहुंच पा रही है? सूर्यकांत जी अब तक आवाज पहुंच पा रही है?
चलिए मैं कविता जी का एक बार रुख करना चाहूंगी। कविता जी, बिल्कुल जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी साफ तौर पर कहा कि जो बजट है वो विकास उन्मुख है और हमारे देश की जो इकोनॉमी है उसको और अधिक आगे बढ़ाने वाला है, तमाम सेक्टर्स का उन्होंने भी जिक्र किया, लेकिन आप जो बातें कह रही है कहीं ना कहीं उनको देखते हुए राजू मालवीय जी की प्रतिक्रिया यह है कि जो आप पहले से ही मंथन करके या मन बनाकर आए हैं, जो कांग्रेस की प्रतिक्रिया है शुरुआती दौर से कि ऐसा कुछ भी नहीं आने वाला बजट में जो कि देश के लिए और देश की जनता के लिए हितकर होगा, क्या कहेंगे? यदि डीजल और पेट्रोल 100 रुपया लीटर हो जाए तो ये विकास मुंड बात हो तो फिर ये मैं को कुछ नहीं कहना। 60 रुपए लीटर जब डीजल और पेट्रोल होता था, शिवराज सिंह, स्मृति ईरानी और संभवतः राजीव जी भी शामिल होंगी, साइकिल लेके चल रहे थे कि बहुत महंगा हो गया। अब 100 रुपए होने के बाद इनकी बोलती बंद है, ये कुछ नहीं बोल रहा है। ये देश जब दूसरे देशों को, 15 देशों को हमारा भारत तेल देता है 35-40 रुपए, अपने देशवासियों को 100 रुपए लीटर, तो जब ये भी भरवाती होंगी गाड़ी में तो इनको अंदाजा हो जाता होगा विकास का और बजट का, दोनों का दोनों। कल हमारी जो एलपीजी सिलेंडर, ये महिला है, मैं भी हूं, किचन की व्यवस्था और मैनेजमेंट हमारा दायित्व होता है, आप भी महिला है सुनीता जी, तो जब हर दिन 800-850 रुपए का सिलेंडर हो गया कैसा महसूस हुआ होगा, ये इनका हृदय ही जानता होगा कि हम लोग सब जानते हैं। लगातार बढ़ती हुई महंगाई के बीच का ये बजट ऐसा है, इसमें मुझे एक चीज नहीं दिखाई दिया कि वो बताए क्या देश की सारी चीजों को, बैंक याद कीजिए कि जो निजी बैंक हुआ करते थे इंदिरा गांधी ने अपने कार्यकाल में उनको सरकारीकरण किया था, आज उन सरकारी बैंकों को पुनः वापस निजी किया जा रहा, प्राइवेटाइजेशन कर रहा, इससे कौन सा विकास होगा? जरा मुझे इसका लंबे लंबे जो आप अपनी पार्टी के प्रवक्ता के बतौर सीख के आइए, उसके अलावा यदि आप भारत की आम जनता को अपने आप को मानकर बोलेंगी तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। और इसी बात पर आप यदि हमारा जवाब दे दें तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। आज हर चीज को बैंक्स बेचे जा रहे हैं, रेलवे, एयरपोर्ट, पोल बॉक्स, बार बार मैं रिपीट कही थी, आज ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बेच डालों की प्रतियोगिता थी। आज का दिन वैसे भी भारी दुख का है कि सड़कों में लोहे के इतने बड़े बड़े एंगल तरवारें कोट कोट के लगाई गई है, क्या हम अंग्रेजों के काल में है? तो अंग्रेज चले गए अपने, इनको अपने लोगों को छोड़ के चले गए, क्या आप उनके वंशज है क्या कि आप किसानों के लिए इस तरीके के देश में हम कहीं आ जा नहीं सकते? ये तो हमारे मौलिक अधिकारों की को बाधित करने जैसा है। आज के आज का जो बजट था, किसी भी, मैं उसके एक लाइन की भी प्रशंसा करने की स्थिति में नहीं हूं, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया, हर चीज महंगाई की तरफ बढ़ी हुई। बीमा कंपनियों में जो एफडीआई 49% था उसको 74% कर दिया। बिल्कुल, तो मिली जुली प्रतिक्रियाएं इस बजट को लेकर आ रही है, लगातार हम तक ही प्रतिक्रिया पहुंच रही है। कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर लोग खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन जिस बीच किसान आंदोलन के बीच और साथ ही कोरोना संक्रमण के बीच तमाम ऐसी चुनौतियां और इस बीच आम बजट का पेश होना, कहीं ना कहीं आम जनता को राजू मालवीय जी बहुत सारी उम्मीदें थी, लेकिन जो प्रतिक्रियाएं आ रही है धीरे धीरे, कुछ दबी जुबान से, कुछ स्पष्ट तौर पर, जिस प्रकार से कविता जी स्पष्ट कह रही है कि उनको कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा, और एक महिला के तौर पर, क्योंकि आप भी एक महिला है, और सबसे बड़ी बात जो होती है बजट की वो महिला इसलिए बता सकती है क्योंकि बजट जो होता है वो बिगड़ता और बनता उनको ही नजर आता है। आप अगर वो पूरा उसको अगर एक ट्रांसपेरेंसी के तौर पर देखें तो क्या लगता है घर की रसोई पर, आम आदमी की रसोई पर कितना असर आपको पड़ता नजर आता है? राजू मालवीय जी, तो राजू मालवीय जी से भी हमारा संपर्क टूट चुका है, और इस बीच आम बजट को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, तमाम अपने मेहमानों को बता दें, और जिस प्रकार की हाइलाइट्स हैं आम बजट को लेकर प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो चुकी हैं, राहत की वजह से हालात नहीं बिगड़े हैं, और साथ ही इस कोरोना संक्रमण के बीच जो बजट आया है उसको लेकर प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही है। राजू मालवीय जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी, मुझे आपकी आवाज। जी बिल्कुल, कविता जी का साफ तौर पर कहना है कि जो भी बजट है, जो भी दिखाया गया है, जो सब्ज बाग दिखाए गए हैं, जो सपने दिखाए गए हैं, वो आम आदमी के सपने से, उम्मीदों से और आस से कहीं ना कहीं बहुत दूर नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक आम महिला के तौर पर भी वो देख रही है। कविता जी, उनका कहना है कि चाहे वो गैस सिलेंडर के दाम हो, चाहे पेट्रोल डीजल के दाम हो, क्योंकि हर कुछ मिलता जुलता है, एक आम आदमी की पॉकेट से जो खर्च होता है, और एक लंबा समय आपने भी देखा है राजू मालवीय जी, जो कोरोना काल रहा है, एक बहुत बड़े समय तक जो आमदनी है वो रुकी रही, व्यापार व्यवसाय रुका रहा, और उसके बाद एक बड़ी उम्मीद जो आम जनता ने वो लगाई थी कि कहीं ना कहीं दाम कम होंगे और उनके बजट पर जो है वो असर पड़ता नजर नहीं आएगा, लेकिन प्रतिक्रियाएं जो आ रही है उससे आम आदमी उतना स्पष्ट तौर पर खुश नजर नहीं आ रहा, आप क्या कहेंगे?
देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा कि ये विषम परिस्थितियों का बजट है जी। और मुझे आश्चर्य, मुझे कविता जी की प्रतिक्रिया में कोई अतिशयोक्ति नजर नहीं आ रही। मुझे उनसे वही अपेक्षा थी कि वो जो बोल, जो मैं अपेक्षा कर रही थी उन्होंने वही बोला है जी। शायद वो भूल गए कि टेलीफोन के ऊपर पेट्रोल डीजल के दाम है, उसके लिए आम आदमी जो लगातार परेशान है। सुनिए ना, सारी बात सुनने का साहस तो रखिए जी। बिल्कुल, मैं हर चीज में बात करूंगी आपसे। कोल ब्लॉक का भ्रष्टाचार हमने बहुत खुली आंखों से देखा है, और जो स्थितियां आप छोड़ करके गए थे, उन स्थितियों के बावजूद जो सुधार किए गए वो मेरी सरकार ने ही सुधार किए हैं कविता जी। और आप मुझे आश्चर्य है कि आप कह रही हैं कि मैं एक गृहिणी हूँ। एक गृहिणी बहुत अच्छे से जानती है कि परिवार के सदस्य या परिवार के बीच में अगर बीमारी आई है तो हमें पहले उस चीज का निदान करना होगा। उसके लिए कई बार मेरे परिवार की माताएं बहने अपने गहने बेचकर भी परिवार को बचाने का काम करती हैं, और आप इस समय परिवार पर उंगली उठाने की बात कर रही हैं। वैसे आपसे उम्मीद यही की जा सकती है, क्यों? क्योंकि जो नेतृत्व करेगा वही आप करेंगी ना। दिल्ली में लाल किले पर तिरंगे का अपमान हुआ, वो आप लोगों को नहीं दिखा? आप लोगों को आज भी ऐसे लोग जिन्होंने पूरे देश को लहूलुहान किया, उनके पीठ थपथपाने का काम आपका नेतृत्व कर रहा हो, तो फिर आप ये कहेंगी इसमें कोई अतिशयोक्ति की बात ही नहीं है। लेकिन जहां मैं ये कहना चाहूंगी कि आज का जो बजट है वो पूरे देशवासियों के लिए कल्याणकारी बजट है। हमारी हर योजना से रोजगार का सृजन होने वाला है। आप ये देखिए, मैंने आपको हेल्थ सेक्टर की बहुत सारी बात बताई जी। आज बैंकों को सुदृढ़ करने के लिए भी 20,000 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। LIC में इसलिए हम IPO लेकर के आने वाले, और किसानों के लिए MSP 1.5 गुना करने का प्रावधान सरकार ने किया है। वहीं एक दूसरी ओर अगर आप उसकी बजट की उपलब्धियों की चर्चा देख रही होंगी और उसमें सूची देख रही होंगी, तो एक लाइन में एक विषय लिखा है, जमीन के कागजात डिजिटल किए जाएंगे। सुनीता जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आजादी के 60-70 सालों में जिस पार्टी की सरकार रही, अगर कविता जी भी किसी गांव से बिलोंग करती होंगी तो उनके पास भी अपनी जमीन के, अपने मकान के दस्तावेज नहीं है, स्वामित्व उनके पास नहीं है। और इसलिए मेरा ग्रामीण भारत जो था वो पराधीनता में था। अगर मैं दूसरी तरह से कहूं कि ग्रामीण भारत स्वतंत्र हुआ तो 25 अप्रैल 2020 को स्वतंत्र हुआ। राजू मांडू जी, जो सवाल उन्होंने किए थे उसके जवाब आपने नहीं दिए हैं। जो गाँव के देशवासियों को स्वामित्व देगा, और इसलिए जब उनके जमीन के कागजात, उनके मकान के कागजात डिजिटल होंगे तब वे देश की किसी भी सरकारी योजना का लाभ ले पाएंगे, लोन ले पाएंगे, अपने को किसानी के साथ साथ उद्योग धंधे कर पाएंगे। ये एक बहुत बड़ा आमूलचूल परिवर्तन अगर किसी काल में हुआ है तो कविता जी ने किया, हालांकि उसके जवाब नहीं मिले। मैं सूर्यकांत जी के तरफ जाना चाहूंगी, बहुत देर से वो इंतजार कर रहा, हालांकि बीच में कनेक्शन कट गया था। सर, दोनों ही महिला नेत्रियों की बात आपने सुनी और दोनों ही महिलाएं हैं, बजट के तौर पर वो अपनी अपनी भाषा में बात जरूर कर रही है, लेकिन आपसे मैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर समझना चाहती हूँ, आज का जो आम बजट कोरोना संक्रमण काल के बीच, किसान आंदोलन की जद्दोजहद के बीच, केंद्र सरकार को तमाम चुनौतियों के बीच जो बजट आया है, कितना आपको सफल लग रहा है, कितना आम जनता की उम्मीदों और आस पर खरा उतरता हुआ लग रहा है? देखिए, विपरीत परिस्थितियों में जब सरकार के सामने कोरोना संक्रमण जैसी गंभीर बीमारी की वजह से आर्थिक संकट का सामना करते हुए बजट लाया जाए, यह बजट आत्मनिर्भर भारत के लिए बहुत अच्छा बजट माना जा रहा है। उसमें इस तरह के कई सारे प्रावधान भी किए गए हैं जिससे आने वाले समय में हमारा देश आत्मनिर्भर बन सके, खासतौर पर रक्षा के अलावा और भी बहुत सारे मुद्दों को छुआ गया है। लेकिन खासतौर पर जो मैंने बजट को अभी तक आकलन किया है वो पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, अधोसंरचना विकास, गरीबों को आवास मुहैया कराने जैसे विषयों को बहुत अच्छे तरीके से लिया गया, और खासतौर पर इसे एक मिनी कृषि बजट भी कहा जा सकता है, क्योंकि कृषि बजट के लिए जिस तरह से 16.5 लाख करोड़ का बजट का प्रावधान किया गया है, तो इस दृष्टि से बजट बहुत अच्छा है। लेकिन आपको बता दें, इस बजट को पूरी तरह सर्वस्पर्शी बनाने के लिए कुछ विषयों को सरकार को जरूर छूना चाहिए था और उसमें कुछ प्रावधान किए जाने चाहिए थे। इस बजट बजट बाकी है अभी तो कल आएगा। नहीं, वो बात सही है, लेकिन इस बजट में एक चीज जो आपको बता दें कि महंगाई का तड़का जरूर लगने वाला है। उसकी वजह यह है कि पेट्रोल पदार्थों पर जिस तरह से सरकार ने अतिरिक्त रूप से सेस लगाने की घोषणा की है, उससे निश्चित रूप से महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि पेट्रोल और डीजल ये दोनों ऐसे पदार्थ हैं जिनका उपयोग
आम जनजीवन पर पूरी तरह से पड़ता है और महंगाई के बढ़ाने में सहायक होते हैं। पेट्रोल पर 2.5% और डीजल पर 4 रुपए का शेष बढ़ाने की घोषणा आज की गई है, उससे निश्चित रूप से महंगाई बढ़ेगी। महंगाई बढ़ेगी तो आम जनता को इस महंगाई के दौर में थोड़ा और कठिनाई महसूस होगी। तो मुझे लगता है कि सरकार को चाहिए था कि इस वाले सेक्टर को छोड़ के कहीं और उसकी पूर्ति की जा सकती थी। यह बात अलग है कि आत्मनिर्भर भारत के हिसाब से केंद्र सरकार ने विदेशी मोबाइलों पर, विदेशी चार्जरों पर जो अतिरिक्त चार्ज लगाया है, वो हमारे देश के इकोनॉमी के लिए, उत्पादन के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए बहुत अच्छा कदम माना जा रहा है। दूसरा, आयकर में स्लैब में परिवर्तन की मांग लंबे समय से की जा रही थी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। यह बात जरूर है कि जो हमारे वृद्ध है, 75 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके जो वरिष्ठ जन है, उनको कुछ राहत दी गई है। थोड़ा व्यापारियों के लिए भी है, टैक्स ऑडिट की सीमा जो है वो बढ़ा दी गई है, 5 करोड़ से 10 करोड़ कर दी गई है। कुछ चीजें सर जो है वो साफ तौर पर योजनाओं के तौर पर देखें, आत्मनिर्भर भारत की जो रोड मैप है उसके तौर पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं छूते नजर आए, लेकिन जिस प्रकार से कविता जी बार बार जिक्र कर रही है, जो एक आम आदमी होता है महंगाई की एक लंबी जद्दोजहद के बीच, एक लंबा जो संघर्ष देखने के बाद, अब आम बजट से बहुत सारी उम्मीदें थी। पेट्रोल की आपने बात की, पेट्रोल बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा है, महंगाई का स्तर जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं एक आम जनता जिस प्रकार की उम्मीद करती है, क्योंकि एक छोटा छोटा उसके लिए रुपए बचाना बहुत जरूरी हो जाता है, बड़ी योजना सरकार जरूर लाती है लेकिन जो निचला तबका है उन तक पहुंचना वो कहीं ना कहीं मुश्किल होता है, उस तौर पर अगर देखा जाए तो कविता की बातों से आप, कविता जी की बातों से कितना आप रखते हैं सबक? से देखिए, आपको बता दूं कि मोदी सरकार की जो अब तक का कार्यकाल हुआ है उसमें सबसे बड़ी उपलब्धि जो उनकी है वो डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के रूप में है। सरकार पैसा जारी करती है, वो सीधे हितग्राही के खाते में पहुंचती है और उपभोक्ता के खाते में पहुंचती है। इस स्कीम की निश्चित रूप से सराहना की जानी चाहिए और इससे निश्चित रूप से हमारे देश में जो भ्रष्टाचार का रोग लगा हुआ है उस पर काबू पाया जा पाने में बड़ी मदद मिली है। हालांकि मैं इस मामले में इतना जरूर कहूंगा कि ठीक है, हमारे देश में आत्मनिर्भर भारत और उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए सारी प्रयास किए गए हैं सरकार द्वारा, लेकिन जिस तरह से ई पेमेंट को केंद्र सरकार बढ़ावा देना चाहती है उसको देखते हुए भी कुछ समय तक मोबाइल सेक्टर में जो नए कर लगाने का प्रावधान किया गया है वो न किया जाता तो ज्यादा बेहतर होता, लेकिन अच्छा है वो, क्योंकि विदेशी मोबाइल कंपनियों पर लगाया गया है तो उससे निश्चित रूप से हमारे देश के जो उत्पादनकर्ता है या देशी मोबाइल उत्पादन वाली कंपनियां हैं उनको जरूर उससे राहत मिलेगी और अंतरराष्ट्रीय या विदेशी जो बड़ी कंपनियां हैं उनसे प्रतिस्पर्धा में भी उन्हें मदद मिलेगी। रही बात जो कप्तान जी कह रही थी, तो देखिए कोई भी सरकार होती है वो प्रयास अपनी तरफ से पूरा करती है कि जनहितैषी बजट पेश किया जाए जिससे जनता को राहत मिले और सरकार के प्रति जनता का रुझान बढ़े। मुझे लगता है कि पेट्रोल पदार्थों पर जो दाम बढ़ाए गए हैं या कॉटन पर जो ड्यूटी बढ़ाई गई है, आयकर में स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, तो इस पर विचार जरूर किया गया होगा सरकार द्वारा, लेकिन सरकार की भी अपनी कई तरह की मजबूरी होती है। बस मेरा तो सोचना यह है कि सरकार की अपनी मजबूरी अलग होती है, लेकिन आम जनता को राहत देने के लिए जो महंगाई बढ़ाने वाले सेक्टर है उनके लिए जरूर कुछ ना कुछ प्रयास किए जाने चाहिए थे। सरकार ने रक्षा बजट अच्छा किया है, स्वाभाविक रूप से जब देश मजबूत होगा तो विश्व समुदाय में जो तरह तरह के खतरे होते हैं, खासतौर पर हमारे पड़ोसी जो देश है वो हमारे देश को अस्थिर करने के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं, उसमें चीन हो गया, पाकिस्तान जैसे देश है, तो उनसे अगर आपको मुकाबला करना है तो निश्चित रूप से रक्षा क्षेत्र को बहुत मजबूत करना होगा और उस दिशा में सरकार समय समय पर कदम उठा भी रही है, तो हो सकता है उसके लिए राशि का प्रावधान करना हो। दूसरा, सरकार ने कहा है कि जो उसका बजट घाटा है उसको वो 6.5% तक लाना चाहती है, तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ भार जनता पे तो डाला ही जाता है, लेकिन इस पूरे बजट में मेरा जो मानना है मध्यम वर्ग का भी ध्यान रखा जाना चाहिए था और पेट्रोल पदार्थों पर जो अतिरिक्त रूप से सेस लगाया गया है वह नहीं लगाया जाना चाहिए था। हो सकता है स्वास्थ्य पर्यावरण को लेकर सरकार ने जो प्रावधान किए, जो अपनी चिंताएं जाहिर की है उनके लिए जो बजट प्रावधान किए, जो योजनाएं घोषणा की गई है उन घोषणाओं का असर अच्छा आए तो हो सकता है कि इन क्षेत्रों में भी सरकार सोचे और उसे पूरी तरह सर्वस्पर्शी बनाने का प्रयास करे। तो मुझे लगता है कि एक और इस बजट की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है उससे मुझे लगता है कि कांग्रेस की नेत्री भी शायद एग्री करेंगी,
भारत के लिए एक गौरवपूर्ण योजना की घोषणा की गई है, वो की गई है कि इसी साल दिसंबर माह में भारत एक गगनयान मिशन लॉन्च करने जा रहा है जी। और जो मानव रहित होगा, तो ये स्वाभाविक रूप से हम और सबके लिए गौरवशाली क्षण होगा। और इस तरह की योजनाएं अगर सरकार ने बनाई है, उसके लिए प्रावधान किए हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण है। खासतौर पर विश्व समुदाय की दृष्टि से अगर देखें, विश्व की दृष्टि से, तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण योजना है जी। बिल्कुल बिल्कुल, तो ग्लोबल इकोनॉमी को देखते हुए और भारत की इकोनॉमी को देखते हुए जो बजट पेश किया गया है, लगातार उसे प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो चुकी है। कविता जी, तमाम बातें सूर्यकांत जी ने जो रखी है, पूरे विश्लेषण के आधार पर रखी है किस तरीके से बजट को रखा गया है, क्योंकि वैश्विक महामारी कोरोना जिससे पूरा विश्व जूझ रहा है, लेकिन अगर भारत की बात करें, और आप भी ये बात मानती है कि जहां पर हर देश में आर्थिक मंदी आई है, हर देश में जो स्वास्थ्य की स्थिति बिगड़ी है, हमने अपने को खोया है, वहां भारत जो है मजबूती के साथ डटा रहा, मजबूती के साथ खड़ा रहा, और हमने वो मुकाम हासिल किया है जो कि हमें विश्व गुरु बनाने की कगार पर आगे लेकर जा रहा है। इस बात को आप भी मानती होंगी, इस आर्थिक और अभूतपूर्व मंदी के बावजूद जो बजट लाया गया है, कहीं ना कहीं सरकार ने तमाम चीजों को सोच समझकर ही बजट को पेश किया है। हालांकि तमाम बातों को देखते हो, सूर्यकांत जी की बातों को देखते हो, मध्यम वर्गीय जो परिवार है उनका जिक्र किया है कि मध्यम वर्गीय परिवार की आस थोड़ी कुछ ज्यादा होती है, क्योंकि अतिरिक्त बोझ उन पर पड़ता है। जो गरीब तबका है उन तक योजनाएं पहुंचती हैं, जो अमीर तबका है उनके लिए योजनाएं सरकार के द्वारा दी जाती है, लेकिन मध्यम वर्गीय परिवार के लिए क्या लगता है, आप उसी बात को बार बार जो है फोकस भी कर रही है, और हमें भी लगता है कि सरकार जो कल एक और जो हमारे पास बजट आने वाला है वहां पर कुछ और इस बात को फोकस किया जाएगा, कल तक इंतजार करेंगी? कविता जी, आपकी आवाज पहुंच नहीं पा रही है जी। कविता जी, आपका आवाज देखिएगा म्यूट हो गया शायद। आपकी आवाज राजू जी की बात के जवाब देना चाहूंगी जी। ये 26 जनवरी के बाद का बात थी, 26 जनवरी के दिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दीप संधू जाकर निशाने साहिब लगाता है, और वहां पे 2 घंटे पहले मोदी जी झंडा वंदन कर चुके होते हैं। गृह मंत्री का पूरी तरह फेलियर है, प्लैंड वे में केंद्र सरकार द्वारा किसानों के आंदोलन को नष्ट करने के लिए, ध्वस्त करने के लिए अपने आदमी को भेजकर षड्यंत्र पूर्वक एक झंडा लगाती है। गृह मंत्री को उसमें अपना इस्तीफा देकर और जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि लाल किले जैसी जगह पर किस तरीके के भारतीय जनता पार्टी के कुछ लफंगे और कुछ उन्हीं के कार्यकर्ता पहुंचकर निशान साहिब का झंडा लगा देते, ये तो शर्म की बात होनी चाहिए। उसको तो आप गौरव से बता रही है राजू जी, मुझे तो हैरानी हो रही है कि देश के दिल दिल्ली में यदि कोई भी गुंडा मवाली आपके सांसद का आदमी था, आपको ये बात माननी पड़ेगी। आज तक वो पकड़ा नहीं गया, उसको आप लोग ने निकलवाया, उसके खिलाफ हिसाब तो आपको देना पड़ेगा ना, आपके प्रधानमंत्री जी ने कहा था। क्यों ने मना किया है? देना 85% कहाँ हड़पे, कहाँ गए? मध्य प्रदेश के किसानों के साथ जो धोखाधड़ी की थी वो किसी से छूती नहीं है, उसी के कारण 28 विधानसभा के चुनाव में मुंह की खाई थी, उसी के कारण आंधे में गिरे थे, उसी के कारण 1.5 करोड़ किसान वहां पर रहे। 150 किसानों की शहादत के बाद भी आपके चेहरे में शर्मिंदगी
नहीं करता। कविता जी, कविता जी, किसानों का मुद्दा आज आज अलग है क्योंकि तमाम मुद्दों के बीच आज आम बजट आया है जो कि भारत की जनता के लिए बहुत जरूरी है। जी क्यों मांग रहे हो भाई, बजट को देखो ना, एक एक चीज का विश्लेषण करो, एक एक चीज को समझो। हाँ, भारत मेरा परिवार है और अगर परिवार के सब लोगों की चिंता करनी है तो किसी को थोड़ा सा कष्ट भी होगा, लेकिन किसी दूसरे के पेट की चिंता करने की भी जवाबदारी देशवासियों के, हमारे अपने परिवार के सदस्यों के परिवार के मुखिया की है। और वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अगर पेट्रोल डीजल में थोड़े से रेट बढ़ते हैं तो इसे देशवासियों के लिए कोई चिंता का विषय नहीं है। राजू मालू जी, कहा जा सकता है चर्बी दवाई जो है वो लगातार पीनी होगी देशवासियों ने। अंदाजा था कि आप यही कहेंगे, मुझे अंदाजा था कि आप यही कहेंगे। यह आवश्यक है। आज आप देखिए कि न केवल किसानों की चिंता की गई है, न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर की चिंता की गई है, बल्कि 2023 तक रेलवे जैसे बड़े विभाग के लिए 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का भी लक्ष्य हमारी सरकार ने रखा है। हमारी सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड की भी जितनी चिंता की है उतना ही सिंचाई के लिए 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। पशुपालन डेयरी के माध्यम से रोजगार बढ़ाने के लिए भी हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। 5 नए बंदरगाह बनाए जाएंगे, 7 टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। ऐसी जो योजनाएं हैं वो सभी योजनाओं को लेकर के इस देश में जो भी दिक्कतें आई थी, जो भी चीजों में हमारी अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं तकलीफ में आई थी, उस अर्थव्यवस्था को ऊपर उठाने के लिए लोकल के प्रोडक्ट को वोकल बना करके इस देश के भारतवासियों के उत्पादकों की कीमत बढ़ाने के लिए, उसका महत्व बढ़ाने के लिए हमारा देश कटिबद्ध है, हमारी सरकार कटिबद्ध है। और वही निर्मला जी ने अपने विषय में रखा है। अभी कल 4 बजे फिर से बजट का दूसरा पार्ट शुरू होगा और उसके अंदर जो बातें आएंगी, मैं समझती हूँ कि सुनीता जी दोबारा चर्चा के लिए जरूर बुलाइएगा। बिल्कुल, तो बिंदुओं पर भी प्रकाश। बिल्कुल, 2021-22 का ये जो बजट है, तमाम अगर क्षेत्रों पे फोकस किया जाए, ग्रामीण क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के विकास के आवंटन को बढ़ाया गया है, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं देश के विकास को छूने वाले हैं। लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो आम जनता से जुड़े हैं जिस पर कविता जी लगातार फोकस कर रही है। एक बार फिर सूर्यकांत जी आपकी तरफ जाना चाहूंगी। राजू मालवीय जी की बात सुनी आपने, कल तक का बजट का और इंतजार करना होगा, लेकिन जो आज जिस तरीके से बजट पेश हुआ है उसको लेकर प्रतिक्रियाएं आ रही है, कविता जी बिल्कुल नाखुश नजर आ रही है, और भी प्रतिक्रिया है जिसको लेकर विपक्ष लगातार कह रहा है कि जो गतिहीनता है, निश्चय की गतिहीनता, या फिर हिसाब ले लीजिए जरा, 1 रुपए राहुल राजीव गांधी ने भेजा था और 15 पैसे लोगों को मिले, 85 पैसे कहां गए, इसका हिसाब जरा कविता जी से जरूर लीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, कविता जी से बात करूंगी मैं। सूर्यकांत जी, जी बिल्कुल बताएं क्या क्या लगता है जो तमाम गतिरोध नजर आ रहा है। बिल्कुल, आम बजट आने से पहले रणजीत सुरजेवाला ने कहा था कि एक बड़ी चुनौती सरकार के समक्ष रहेगी इस बजट को लेकर। चुनौती का सामना सरकार ने भी किया, एक लंबा यहां पर पूरा चिंतन किया गया, चाहे वो आर्थिक तौर पर हो, स्वास्थ्य के तौर पर, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती थी रक्षा और स्वास्थ्य। इस पूरे अगर हम मंजर को देखें तो कहीं ना कहीं एक रक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत जूझता हुआ नजर आया, और कहीं ना कहीं वैश्विक मंदी भी देखने को मिली, आर्थिक मंदी भारत को देखने को मिली। उस बीच हर मुद्दे को छूने का सरकार ने प्रयास जरूर किया है, कुछ मुद्दे छूटे हैं, कल का हमें इंतजार भी करना है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को कितने अंक आप देते नजर आते हैं इस आम बजट को लेकर? देखिए, विश्व परिदृश्य को अगर आप देखें तो उस हिसाब से बजट में किए गए प्रावधानों की तारीफ की जानी चाहिए, लेकिन उस बजट में सिर्फ मैं एक ही चीज है जिसको पे भी काम किया जाना चाहिए था और उस क्षेत्र में राहत दी जानी चाहिए थी, वो पेट्रोल पदार्थों को लेकर है। लेकिन अगर आप देखें इस समय विश्व में और हमारे देश में सबसे बड़ी जो समस्या है वो स्वास्थ्य को लेकर है। स्वास्थ्य पर सरकार ने पूरा फोकस किया हुआ है, इसी वजह से सरकार ने 75,000 नए हेल्थ सेंटर देश में खोलने की घोषणा की है, 602 जिलों में क्रिटिकल केयर यूनिट भी खोलने की आज घोषणा की गई है, और इसके अलावा बच्चों के वैक्सीनेशन पर भी विशेष फोकस किया गया है। तो अगर बच्चा स्वस्थ होगा तो वो जब अपने उम्र के उस पड़ाव पर आएगा, जिसे हम युवा दौर कहते हैं, तो स्वाभाविक रूप से हमारा देश स्वस्थ होगा। देश स्वस्थ होगा तो उस सेक्टर में आने वाली जो महामारी है या उससे होने वाली जो नुकसान है उनसे हमारा देश बचेगा, जनता बचेगी, तो हो सके उस सेक्टर उससे होने वाले फायदे का जो लाभ है वो हमारे देश को मिलेगा। इसलिए सरकार ने स्वास्थ्य पर विशेष गौर किया है, और अच्छी बात यह है कि कोरोना जैसी महामारी आने के बाद इस देश में अन्य देशों की, अमेरिका जैसे विकसित देशों की अगर आप बात करें, चीन जैसे देशों की बात करें, जर्मनी,
आर्थिक रूप से संपन्न देश सऊदी अरब जैसे देशों की बात करें तो उससे हम कहीं कम हमें नुकसान हुआ है और हमने उससे बेहतर और बहुत जल्दी जीत पाई है उस पर। और हम वो देश बने हैं जिसने एक साथ एक नहीं बल्कि दो दो कोरोना की वैक्सीन दी है। और आज के बजट भाषण में जैसा कहा गया है कि देश दो और वैक्सीनों पर काम कर रहा है, हो सकता है कि जल्दी भारत ऐसा पहला देश बन जाए जहां चार एक साथ वैक्सीन उपलब्ध हो कोरोना की। और हमारा देश इस मामले में खासतौर पर बड़ी उपलब्धि हासिल कर चुका है। कई ऐसे देश हैं जो हमसे मदद मांग रहे हैं इस चीज में और हम मदद दे भी रहे हैं। एक अच्छे पड़ोसी के रूप में हमने कई देशों की मदद भी की है और कई विकसित देशों को वैक्सीन भी उपलब्ध करा रहे हैं। तो यह सरकार ने अगर इस स्वास्थ्य क्षेत्र पर फोकस किया है तो ये उसकी बड़ी उपलब्धि है जिसके लिए बजट का भी अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। दूसरा, सरकार ने कृषि क्षेत्र को छुआ है। ठीक है, इस समय हमारे देश में किसान आंदोलन चल रहा है जी। वो क्यों चल रहा, कैसे चल रहा, इसकी पृष्ठभूमि में नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन यह बात सत्य है कि जब देश के विकास की बात हो, देश के पर संकट का समय हो, तब सारे के सारे राजनीतिक दलों को एक स्वर में देश के साथ खड़ा होना दिखना चाहिए। संकट के समय में सब लोग एक रहेंगे तो उस संकट से बहुत जल्दी निजात पाई जा सकती है। बिल्कुल, एक नकारात्मकता के माहौल में उम्मीद और आस से भरा एक बजट कहा जा सकता है। हालांकि कल एक बार फिर बजट का दूसरा सत्र जो है वो पेश किया जाएगा, उससे भी उम्मीदें भारत की जनता की जुड़ी हुई है। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, राजू मालवीय जी, कविता जी, साथ ही सूर्यकांत जी, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा विश्लेषण आपने किया। तो देश का बजट 2021-22 का आज पेश हुआ, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पिटारे से क्या कुछ निकला आप सभी ने देखा और उसको लेकर अब प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह हमें नहीं भूलना है कि कोरोना के संक्रमण काल में हमने भारत की जो तस्वीर देखी है उसके बाद ये जो बजट आया, कहीं ना कहीं बहुत भारी चुनौतियों के बीच सरकार ये बजट लेकर आई है। देखना होगा कल बजट में क्या कुछ और निकल कर आता है। इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।